हेलो एंड वेलकम टू दी सीएसआर जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का सीजन वन इन एसोसिएशन विद सकरनी प्लास्टर और हमारे फैशन पार्टनर हैं एब्सोल्यूटो द फाइनेस्ट साइड ऑफ फैशन। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। ब्रांड्स इंपैक्ट की इस नई पेशकश सफर कामयाबी का मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कामयाबी हर किसी को चाहिए, अपने सपने हर कोई पूरा करना चाहता है, अपनी मंजिल हर इंसान पाना चाहता है, लेकिन यह सब उसी को नसीब होता है जो खुद पर भरोसा रखकर मजबूत इरादों के साथ दिन रात मेहनत की आग में जलते हैं। एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर पति पत्नी अतुल और प्रीति त्यागी ने भी कुछ ऐसा ही किया। करीब डेढ़ दशक तक नामी गिरामी कंपनियों में नौकरी करने के बाद दोनों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर समाज में बदलाव लाने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया। दोनों ने अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए प्री स्कूल चेन खोला। दोनों का सपना था बच्चों को घर से दूर भी घर जैसा माहौल में एजुकेशन मिले। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो जी जान से जुट गए, दिन रात एक कर दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाने लगी, उनके सपने साकार होने लगे। यह उन दोनों की लगन, उनका विश्वास और मजबूत हौसलों का नतीजा है कि प्री स्कूल शुरू करने के महज कुछ समय के भीतर ही उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। उनके प्री स्कूल चेन वाव किड्स, आई लव द नेम, वाव किड्स की क्वालिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 में शुरू होने वाले इस प्री स्कूल चेन की आज 15 राज्यों में शाखाएं हैं। इतने कम समय में यह प्री स्कूल चेन 12 राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुका है। इतना ही नहीं बल्कि इसके पास 4 इंटरनेशनल मेंबरशिप्स भी हैं। हाल ही में बेस्ट प्री स्कूल ब्रांड ऑफ ईयर 2017 के अवार्ड से भी इसे नवाजा गया है। लेकिन एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने वाले त्यागी दंपत्ति के लिए यहां तक का सफर कतई आसान नहीं था। इस शो में हम उनकी चुनौतियों और उनकी कामयाबी के राज खुद उनसे जानेंगे। आपको बता दूं कि अतुल त्यागी वाव किड्स एजुकेशन के सीईओ हैं, जबकि इनकी पत्नी प्रीति त्यागी उसकी फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। अतुल और प्रीति, आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत खुशी हो रही है हमें आपको यहां पाकर। आप दोनों की कामयाबी का यह सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, आई एम श्योर ऑफ दैट। जाहिर है आपके सफर से आपकी काफी यादें एक तरह से जुड़ी होंगी, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। हम आपके साथ सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं, लेकिन अब तक का जो आपने सफर तय किया है उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। भाई कमाल है। चलिए शुरुआत आप दोनों से करते हैं। आई थिंक मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि शुरुआती जिंदगी किस तरह से चालू हुई, कैसे चालू हुई, कहां चालू हुई, आप दोनों। आई थिंक लेडीज फर्स्ट। श्योर अमन जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ जी, लेकिन मेरा शुरुआती एजुकेशन बचपन मैंने चंडीगढ़ में बिताया। अच्छा। बिकॉज मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, सो उनका बिजनेस दिल्ली चंडीगढ़ में था। Okay. और वो चाहते थे कि चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में बहुत पालन पोषण हो। सो मेरा बचपन चंडीगढ़ में बीता, प्राइमरी एजुकेशन वहां से हुई। फिर हम दिल्ली दोबारा शिफ्ट हुए तो मैंने अपना कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2000 में अपने कॉलेज की पढ़ाई फिनिश की। पढ़ाई फिनिश करने के बाद 2000 में मैंने अपना कॉरपोरेट कंपनीज का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शुरू किया विद अ मल्टीनेशनल नेम जी कैपिटल। अच्छा। और बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज मल्टीनेशनल उस दौरान इंडिया में आई थी। सो जो एक्सपोजर, जो ट्रेनिंग्स, जी
सो जो एक्सपोजर जो ट्रेनिंग उन्होंने दिया इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ऑलमोस्ट 11 से 12 साल मैंने दो मल्टीनेशनल्स में काम किया, जीई कैपिटल और आईबीएम. और उसके बाद मैंने दो साल का ब्रेक लिया जब हम पेरेंट्स बने. वी वर ब्लेस्ड विद ट्विंस. तो आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? इट्स एन अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज? इट्स एन अरेंज मैरिज. दिल्ली में ही? अच्छा, दिल्ली में ही. जी. और when we became parents, I decided to take a break. So मैंने 2012 में दो साल का ब्रेक लिया. और बिकॉज मैं वो टाइम बहुत स्पेशल था, सो मैं वो टाइम बच्चों की परवरिश में देना चाहती थी. उसके बाद बट एक चीज बहुत क्लियर थी, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस था, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे कुछ तो करना था अपने लिए. और 2014 में फिर दो बच्चों के साथ पेंजिम गोवा में हमने मैंने वाओ किड्स प्री स्कूल की पहली ब्रांच शुरू की. क्या बात. और इट वॉज एक्चुअली ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मेरे बच्चे मेरे साथ ही हो भी सकते थे वहीं पर स्कूल में. अब वाओ किड्स ऑलमोस्ट एज जैसा आपने कहा 15 प्लस स्टेट्स में मौजूद है. और कमाल की बात है 2014 के बाद इतने कम समय में. अतुल जी, अब आप बताइए कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, कहां पे रहे हैं, कहां पे बड़े हुए हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. तो अमन जी, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं जी. और हम चार भाई बहन हैं. फादर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते थे. तो शुरुआती जिंदगी में जो पढ़ाई थी उसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई में नहीं था. और ट्वेल्थ बहुत ही एवरेज मार्क्स जिसे बोलते हैं उससे पास किया. अब जब ट्वेल्थ पास किया तो लगा कि सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबका अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैं रह गया. अच्छा. अब पिताजी को देख के लगा यार ये बहुत मायूस हो गया है, कुछ करा जाए. तो उन्होंने जितनी भी अपनी जो भी सेविंग्स थी रिटायरमेंट के बाद वो सारी लगा के मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया. अच्छा. अब जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहां का माहौल ही एकदम डिफरेंट था. बहुत पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छे लोग थे. पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे आके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, तो वहां जाके बहुत ज्यादा सोशल हो गया मैं. अच्छा. और देखते ही देखते चार साल में मैं डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट चुना गया. अच्छा. उसके बाद बहुत सारे कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किए मैंने, फेस्टिवल. तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया जी. अब उसके बाद उस जमाने में मिडिल क्लास का आज से 15 साल पहले एक, जैसे कहते हैं ना, फैमिली का एक ड्रीम हुआ करता था कि यार या तो लड़का डॉक्टर बने या इंजीनियर बने. अब इंजीनियर भी बने तो वो भी आईआईटी से बने जी. तो फादर ने बोला यार अभी तो पहले तो तुमने नहीं ट्राई किया, इस बार ट्राई करो. तो आईआईटी का एग्जाम दिया और बहुत मेहनत करी और फाइनली आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया जी. हाँ. अतुल जी, आप दोनों एक तरह से, जैसे आपने कहा कि नामी ग्रामी कंपनियों में अच्छे खासे ओहदे पर काम करते रहे हैं जी. और कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं वो भी आप लोग चढ़ते रहे थे. तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि ये सब कुछ छोड़ के वी हैव टू बी बिजनेस पीपल और एंटरप्रेन्योर्स? तो ये फैसला कैसे, हाउ डिड इट कम अबाउट? अमन जी, ऐसा है, जब मैंने पहली नौकरी अपनी शुरू करी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से, उसके बाद मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं एंटर हो गया. उस टाइम पे क्या था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत स्पीड से काम हो रहा था. मतलब टेलीकॉम कंपनी अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश कर रही थी, तीन चार प्लेयर्स थे. उस टाइम पे आपको कंपनी के विद इन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती इधर उधर अलग अलग डिपार्टमेंट में स्विच ओवर करने के लिए, कभी एचआर में, कभी ट्रेनिंग में, कभी कस्टमर सर्विस में, सेल्स में. तो अगर आप रिस्क लेना के लिए तैयार हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. आपको बहुत ज्यादा लर्निंग और एक्सपोजर मिलता था जी उसमें जी. जी तो मैंने भी अपना पूरा रिस्क उठाया, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया और एक्सपोजर लिया. उसमें दो बहुत बड़े चैलेंजेस मेरे सामने रखे गए कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया. पहला तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगा जब मैं गया कि मुझे एक 1000 सीटर कॉल सेंटर सेटअप करने का मौका मिला सीधे जाते ही कुछ ही महीने के बाद. अब उस कॉल सेंटर को सेटअप करने में मेरी नॉलेज इतनी बढ़ गई कि आईटी के बारे में, कस्टमर सर्विस के बारे में, ट्रेनिंग कैसे रिक्रूटमेंट करना है, उस सब के बारे में नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ती गई मुझे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया जी. और देखते ही देखते 9 महीने हुए थे सेटअप हुए कॉल सेंटर मेरे, राष्ट्रीय स्तर पे मेरा जो टीम थी हमें नेशनली नंबर वन अवार्ड मिलने लगा. लगातार हम 3-4 बार नेशनली नंबर वन कंपनी में, पूरे स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में नंबर वन आने लगे. अब कंपनी को लगा कि यार हाँ, अब इसको अगला लेवल पे बढ़ाया जाए. और तो मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली रिटेल टीम में. अब रिटेल टीम में क्या था कि मेरे पास 400 आउटलेट मुझे दिए गए कंपनी के, बहुत ही नामी कंपनी है, 400 आउटलेट दिए गए. उसमें कम से कम 600 लोग थे मेरी टीम में. तो आप इस कंपनी का नाम लेना चाहेंगे? जी, वोडाफोन. वोडाफोन, वंडरफुल.
वोडाफोन में काम करता था, बहुत ही शानदार कंपनी है सर जी। तो 600 लोगों की टीम थी, उसमें भी मैं मतलब 6 महीने के अंदर ही मेरी टीम इंडिया में नंबर 1 आ गई। क्या बात। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील होने लगा कि यार जहां पे भी मैं करता हूँ, इतनी मेहनत से काम करता हूँ कि यार कुछ तो बात है कि मतलब आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अब उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं यार अभी दोबारा से एक रिस्क लेते हैं और उठाते हैं और दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं। तो मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में एंट्री करी, कदम रखा आपने। जी। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री में मैंने एज अ नेशनल हेड मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया। अब वहां पे मुझे मौका मिला कि मुझे ही सब कुछ एस्टेब्लिश करना है। मुझे बोला गया कि यार आप ही डिजाइन करेंगे, आप ही एग्जीक्यूट करेंगे पूरे इंडिया में। जी। तो उसमें शुरुआत हुई, पहले डिजाइन बनाया, उसके बाद उसको पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट करना चालू किया। पहले 100, 50, 300 स्टोर मैंने 3 साल में उस कंपनी के बना डाले। तो उसके बाद ऐसी ऐसी चीज समझ में आई कि अगर आपको यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी बिग टीम टू मेक अ डिफरेंस, अगर आप अकेले हैं और अगर अपने दम है, डिजायर है और पैशन है कि आप खुद अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हो। और तब मैंने फैसला किया कि यार हम बिजनेस शुरू करेंगे, पहले मैडम जो है ये बिजनेस को स्टार्ट करेंगी, धीरे धीरे मैं ज्वाइन करूंगा। अब इन्होंने उसको स्टार्ट किया, 6 महीने में इतना सक्सेसफुल बना दिया पहले स्कूल को कि हमने दूसरा ब्रांच भी खोल दिया। मैंने अभी तक नौकरी नहीं, 6 महीने के अंदर। आप किस वजह से अपने आप को इतना पुश कर पाई हैं? अमन जी, मेरा रीजन बहुत सिंपल था। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अब एक मदर बनने के बाद नेचुरली मैंने चाहा कि मैं ब्रेक लूं। जी। तो मैंने 2 साल का ब्रेक लिया। तब हमारे बच्चे 15 या 16 मंथ्स के थे जब मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे कुछ शुरू करना है, कोई बिजनेस करना है। और उस टाइम पर अतुल फुल टाइम जॉब में थे एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल 15 to 20 days अ मंथ। सो बिकॉज हमने जिन कंपनीज में काम किया, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मैंने अपने फादर से सीखी। बचपन से उनको देखा है कि उन्होंने कैसे बिजनेस को एक्सपैंड किया, तो वो शायद नेचुरली था। और मैंने इंस्पाइट, ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट सिस्टम तो बनाना ही था जी। तो मैंने वो क्रिएट किया, 2 बच्चों के साथ फर्स्ट ब्रांच खोली और विद इन 6 मंथ जैसे अतुल ने कहा सेकेंड ब्रांच, एंड आफ्टर अ ईयर वी ओपन्ड अ 3 ब्रांचेस। We have 3 branches. तो तकरीबन 1 साल में कितने बच्चे आपके अंडर आ चुके थे? सी, अभी हमारे पास उस टाइम पर हमने जब शुरुआत की थी तो हमारे पास ऑलमोस्ट 150 बच्चों की शुरू, एक साल के अंदर 150 बच्चे। जी जी, हमारे पास शुरुआत थी। इनक्रेडिबल। और फिर 3 साल जब 3 branches सक्सेसफुल हो गई, हमने वो मॉडल मैंने प्रूव किया कि हम कर सकते हैं, तब अतुल ने 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद वाओ किड्स को फुल टाइम ज्वाइन किया अपनी जॉब छोड़कर। एक्सेलेंट। अतुल जी, जब आप दोनों ने ये प्री स्कूल जो चेन है इसे खोलने का जो फैसला किया है, तो उस पर आगे बढ़ने का जो काम है वो किस तरह से शुरू, मतलब हाउ डिड यू फाइनलाइज एवरीथिंग, उसके बारे में कुछ बताएं। अमन जी, सबसे पहले तो नौकरी छोड़ी तो जगह की जरूरत थी जी ऑफिस खोलने के लिए। सही बात है। तो सोचा कि यार इस बार तो तनख्वाह आएगी नहीं, तो और अगर किराया पे कोई जगह ली तो भैया तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे जी। तो अपने फ्लैट में ही दूसरे बेडरूम को अपना ऑफिस बना दिया। अच्छा। और अपनी डाइनिंग टेबल को अपनी डायरेक्टर टेबल बना के अच्छा अपना काम शुरुआत की वहां से। तो सबसे पहले ये डिसीजन लिया। उसके बाद ऐसा सोचा कि अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर करूंगा सारे के सारे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स जो कि मेरे विजन और उन के साथ मैच करते हैं, मेरे लिए काम कर सकते हैं। तो उनको आजकल इंटरनेट का जमाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मोबाइल में है। बिल्कुल। तो लैपटॉप पे सर्च करके सारी चीजें, लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों से मीटिंग करी और फाइनली लोगों को काम देना शुरू किया। तो किसी को वेबसाइट का काम, किसी को सोशल मीडिया में मार्केटिंग का काम। तो सारे पहले एम्प्लॉयज ना रख के पहले मैंने अपनी कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए मैंने फ्रीलांसर्स को कांटेक्ट करके ये काम को शुरुआत की। तो ये तकरीबन कितने फ्रीलांसर्स थे जो करीब मिला के मैं बोल सकता हूँ 11 फाइनलाइज किए मैंने, क्योंकि हर एक चीज के लिए अलग 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 एंड हर इंडस्ट्री का अलग अलग। जैसे अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो उसका एक अलग निश है, तो उसमें कौन से एक्सपर्ट्स हैं, कौन सा इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कौन से ऐसे हैं कि जो मुझे फुल टाइम हायर ना कर सके और मेरा काम कर सके। तो इस तरह से मैंने सारे करीब 11 फ्रीलांसर्स को अपना काम देना शुरू किया। उसके बाद मैंने और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी कि भाई कंपनी कैसे रजिस्टर किया जाए, उसके बाद लीगल एग्रीमेंट बनता है फ्रेंचाइजी या कैसे, और उससे सबसे ज्यादा कि यार ऐसा कैसा एक बिजनेस मॉडल बनाऊं
जो कंज्यूमर के लिए, जो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है उसके इंटरेस्ट में हो। जी ठीक है, एक पहली बात ये दिमाग में रखी। दूसरी चीज के मेरी पुरानी लर्निंग ऐसी थी कि उसमें मुझे समझ में आया कि अगर जो भी बंदा, जो भी इंसान को कोई बिजनेस करना, आज की डेट में बहुत सारा कंपटीशन है, हर चीज के 10-10 जो है चीजें अवेलेबल है, जो भी कंज्यूमर एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा ध्यान रखेगा उसका बिजनेस मॉडल ज्यादा अच्छी तरह से चलेगा। क्योंकि सारा इंटरनेट पे आपको पता है, आप सब कुछ सर्व करके एक दूसरे की जानकारी ले सकते हो कि ये क्या एक्सपीरियंस क्या है इनका। सो आप वो उस तरह से, तो ये सब शुरुआत में काफी बाधाएं आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट सोच लिया कि नहीं, चैलेंजेस नहीं, हर एक चीज से लर्निंग लेनी है और आगे बढ़ते चला जाना है। अतुल जी, आपके प्री स्कूल चेन का जो नाम है, इट्स कॉल्ड वाओ किड्स एजुकेशन। मैंने कहा कि मुझे ये नाम बड़ा वाओ, सो जवाब देंगे जी, तो उसकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वाओ किड्स क्यों, यही नाम क्यों, इज देयर एनी काइंड ऑफ एन एक्साइटिंग स्टोरी बिहाइंड दिस? अमन जी, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने काफी नाम सोचे, ऑब्वियसली जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज पहचान होता है उसका नाम जी। उसकी तरह हमने भी बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया और 7-8 नाम शॉर्टलिस्ट किए, बट हमने फिर ये सोचा कि जब कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढने जाए तो उनकी, जब वो स्कूल में एंटर हो, उनका जो एक्सपीरियंस हो, वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो उनके, उनको जो फर्स्ट फीलिंग आए, जो इमोशन आए, वो ऐसा कौन सा वर्ड है जो उसको बयान कर सके। तो पहला रीजन तो वो था, मेरे मुंह से वाओ निकलना चाहिए जब मैं किसी स्कूल में जाकर देखूं कि क्या ये जगह है मेरे बच्चे के लिए। और दूसरा रीजन, जो एक ऐसा वर्ड जो हमारे विजन से मेल खाता हो, हम एक ऐसा प्री स्कूल क्रिएट करना चाहते हैं और हम उस टाइम पर चाहते थे, जो एक्चुअली कोई किसी से तुलना ना कर सके, और जब आप आए तो पेरेंट्स कुछ समय वहां बिताकर ये सोचें कि इससे बेहतर जगह मेरे बच्चे के लिए नहीं हो सकती। आप में, आपके स्कूल में, आपके प्री स्कूल में ऐसी कौन सी वो खास बात है, क्या वजह है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आप ही के स्कूल में लाके उनका दाखिला कराना चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि प्री स्कूल में एक चीज होती है करिकुलम। अब करिकुलम में क्या है कि करिकुलम होता है कि या तो एक तो होता है नर्सरी करिकुलम, जिसमें आपको बच्चे को सिखाते हैं ABCD 1-2-3 अल्फाबेट नंबर कलर शेप्स राइम स्टोरीज, इस तरह की जो हर प्री स्कूल सिखाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे जरिए हैं कि हम बच्चे को और ज्यादा चीजें सिखाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 3 फिंगर ग्रिप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें उसके ब्रेन के विकास के ऊपर काम करती हैं इतनी छोटी सी उम्र में। एक प्री स्कूल में आपके कितने टीचर्स होंगे? लगभग आप मान लीजिए 5 से 8 एवरेज, 5 से 7। और बच्चे कितने होंगे एक प्री स्कूल में? बच्चे मान लीजिए 60 to 70। सो तकरीबन एक टीचर के साथ अराउंड 10 से 15 बच्चे मैक्सिमम। हम 15 का रेशियो रखते हैं, 1 teacher is to 15, 1 से 15 जी। एक और सवाल कि कई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को किसी प्री स्कूल में अगर एडमिशन दाखिला दिलाना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में ये चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से उनके बच्चे का जो विकास होगा पूरी तरह से होगा? अमन जी, पहली चीज, माँ बाप, जब सबसे पहले जो माँ बाप को देखना चाहिए किसी भी प्री स्कूल में, कि उसका मैनेजमेंट क्या, कौन है, वो क्या है, उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीडरशिप फ्लोज फ्रॉम द लीडर टू द टीम। सो वो एक पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी उस स्कूल की। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं प्री स्कूल में, एज अर्ली एज 1.5 years old। तो 1.5 साल से लेके उम्र कहाँ? 6 साल तक की उम्र। 6 साल जी, तो ये है उम्र, ये उम्र है बच्चों की। तो ये बहुत सेंसिटिव एज है। सो सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे अहम मुद्दा किसी भी प्री स्कूल को चुनने से पहले। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वहां पर बच्चे की क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया जाता है। जैसे अतुल ने अभी मेंशन किया कि हम प्री स्कूल्स और हमारे करिकुलम में हम ध्यान रखते हैं कि सिर्फ बच्चे को ABCD या 1, 2, 3, 4 वो सभी कंप्लीट ग्रोथ होना चाहिए जी। yes. क्योंकि 6 साल तक की उम्र तक बच्चे का 80-90% दिमाग विकसित हो जाता है, विच साइंस सेज। एब्सोल्युटली। सो
और उसी दौरान बच्चे का कैरेक्टर, सोशल स्किल्स, एजुकेशन स्किल्स, बेसिक स्किल्स डेवलप होती हैं और बच्चे को ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां बच्चा वापस आना चाहे। एक दिन बिताने के बाद बच्चा खुद बोले कि मुझे वहां जाना है। तो अगर आपको वहां पर कोई भी स्कूल है जो ये मौका मिलता है कि मैं वहां एक्सपीरियंस करूं और बच्चा कल बोलता है कि मुझे वापस जाना है, तो आप समझ जाइए कि शायद वो जगह आपके लिए ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टीचर्स, वो हमारा बैकबोन है, हमारी स्ट्रेंथ है किसी भी प्री स्कूल के लिए। सो उन टीचर्स का कैसा बिहेवियर है, कैसा बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चे उन्हीं के साथ समय बिताते हैं। सो दे आर एक्चुअली लाइक मदर्स अवे फ्रॉम होम उस समय के लिए। जी, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ प्री स्कूल। आपके प्री स्कूल चेन को कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, बहुत अवार्ड्स आपको मिले हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, आप दोनों भी, अगर आपकी ये वाव की फ्रेंचाइजी को साइड पर रख दिया जाए, आप दोनों भी पर्सनल लेवल पे अच्छी खासी उपलब्धियां आप दोनों ने भी पाई हैं, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप दोनों? यस, तो अमन जी, एक्चुअली कभी भी अवार्ड के लिए काम नहीं किया है जी। कभी ऐसा नहीं सोचा कि अवार्ड लेना है इसलिए काम करना है, नंबर वन आना है। बट जब हमने वाव किड शुरू किया तो मैंने बताया कि पहले एक ब्रांड से स्टार्ट किया, बहुत मेहनत करी दिन और रात, खुद मार्केटिंग करते थे हम अपने फ्लायर्स, इवन लोगों को मार्केटिंग खुद जाते थे, मतलब शाम को पार्क में जाके खुद पर्चा मारते थे कि लीजिए आइए एक बार विजिट करिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट धीरे धीरे ऐसा लगा 6 महीने में इतना सक्सेसफुल हो गया, एडमिशंस बढ़ते चले गए कि लगा कि यार अब दूसरा ब्रांच करते हैं, वेट नहीं करनी, सब काम स्पीड से करना है। तो सबसे पहला जो अवार्ड मिला हमें, मोस्ट प्रॉमिसिंग प्री स्कूल इन गोवा, जो ब्रांड्स अकेडमी से हमें अवार्ड मिला जी। उसके बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे थे, हमने करिकुलम पे काम करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया, बहुत ज्यादा इनोवेटिव करिकुलम बनाया, ऐसी ऐसी चीजें। तो वो एक दूसरा अवार्ड हमें मिला, मोस्ट इनोवेटिव करिकुलम इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये ग्लोबल एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड था, ये भी सब विद इन वन ईयर हो रहा था, सब एक साल के। यस, अब जैसे जैसे फ्रेंचाइजी भी बढ़ते गए, अब वेस्टर्न इंडिया में, क्योंकि मैं गोवा में हमारा बेस था, तो हमारे वेस्टर्न इंडिया में हमारे फ्रेंचाइजी बढ़ते गए। तो साल भर के अंदर ही हमारी करीब 15 ब्रांचेस वेस्ट इंडिया में बन चुकी थी। तो हमें बेस्ट अपकमिंग प्री स्कूल चेन इन वेस्टर्न इंडिया का भी अवार्ड मिला। अच्छा, वो हमें दिया गया अनूप सोनी जी ने, वो एक अवार्ड फंक्शन में अवार्ड दिया। अच्छा, तो उसके बाद फिर मतलब जिसे कहते हैं कि हर 6 महीने में अवार्ड आते ही आते गए। अभी लेटेस्ट अवार्ड हमें मिला, मोस्ट बेस्ट प्री स्कूल ब्रांड ऑफ द ईयर 2017। अगर हमारे दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से कोई आपका ये जो प्री स्कूल वाव किड्स का जो फ्रेंचाइजी, अगर वो लेना चाहते हैं, तो आप बताइए कि वो कैसे कर सकते हैं, हाउ डू दे गेट इन टच विद यू, बात कैसे करें और क्या क्या चीजों के बारे में उनको सोचना होगा? हमारी वेबसाइट है www.wowkids.in, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जाइए उसके ऊपर और इंक्वायरी डालिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, सारी आपको गाइडेंस देगी, या आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे एक नंबर पे 9988112122। देश में इस समय एक तरह से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो है काफी बढ़ावा एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जा रहा है, और एक अगर मैं देखता हूं तो एक सही मायने में अच्छी बात भी है देश के लिए, हमारे लिए। इस शो के जरिए आप वो जितने युवा जो हैं, जो इस तरह के स्कूल को चालू करना चाहते हैं या एजुकेशन से कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाउ डू दे स्टार्ट, किस तरह से, क्या विश्वास रखें, क्या सोचें, किस तरह से काम करें, हाउ टू बी टू बी युवा? कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं मेरी बिजनेस में जो मैं देना चाहूंगा, उनको उनसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली कि ऑलवेज रिमेन एज अ स्टूडेंट, सीखने की जो कला है, बिल्कुल, चाहे वो हर परेशानी से कुछ सीख है जी। हर बुक जो पढ़े उससे कुछ सीख है, उसको सीख को लीजिए और उसके बारे में सोचिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। दूसरी मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा सोचता हूं और करता हूं, कि ऑलवेज इनोवेट, कभी ऐसा नहीं है कि ठहराव मत आने दो, किसी दिमाग के घोड़े चलाते हैं, बिल्कुल हर चीज को कोशिश करिए अलग अलग तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करें या कैसे उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि लोगों को बहुत पसंद आए, बच्चों को बहुत पसंद आए। मेरे बिजनेस में मतलब मैं ऐसा सोचता हूं अमन जी, अब चेंज हो गया, अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट है। ओके, क्विकेस्ट, क्विकेस्ट। सो इफ यू आर नॉट फास्ट इनफ टू एग्जीक्यूट योर आइडिया, देन इट विल रिमेन एज एन आइडिया।
तो ये थे हमारे साथ प्री स्कूल चेन वाओ किड्स एजुकेशन के सीईओ अतुल त्यागी और उनकी फाउंडर एंड डायरेक्टर पत्नी प्रीति त्यागी। इनके अब तक के सफर से एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप में बड़े सपने देखने का हुनर होना चाहिए, हर हाल में उसे पूरे करने की हिम्मत होनी चाहिए एंड यू हैव टू बी क्विक। चलिए, कोई भी जोखिम अगर हो उसे उठाने के लिए आप तैयार होने चाहिए। आप दोनों हमारे शो पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले जैसे प्रथा अनुसार हम एक छोटा सा मोमेंटो हमारे गेस्ट को देते हैं, ये आप लीजिएगा। अगर आपकी भी ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है तो हमें लिख भेजिए info@safarkamyabika.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9599506639। अगर आपकी कहानी वाकई प्रेरणा सूत्र है, एक्साइटिंग है, तो हम आपको हमारे शो पे जरूर बुलाएंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी इस शो के अगले एपिसोड में जिसका नाम है द CSR जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का इन एसोसिएशन विद सकरनी प्लास्टर और हमारे फैशन पार्टनर हैं एब्सोल्यूटो द फाइनर साइड ऑफ फैशन। तब तक के लिए मैं अमन यतन वर्मा इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफानों में भी राह निकल सकती है। खामोश न हो, मायूस न हो, अगर बदलना चाहो तो तुम्हारी जिंदगी अभी भी बदल सकती है। नमस्कार, जय हिंद। आपको वर्लपूल का स्पेशलिस्ट चाहिए।